हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक्सप्लोर विद बीरू चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पेन्स के बारे में। गाइस, मैं शॉप पे गया, पेन मिले मुझे, मैं सारे ले आया। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं सारे पेन को और मैं बताऊँगा आपको कि मुझे सबसे अच्छा कौन सा पेन लगा। पहला पेन है रिंडोल्स फाइन कार्बर, कुछ नाम है इस पेन का। रिंडोल्स का पेन है 045 और बहुत अच्छा पेन है और बहुत पहले से चलता आ रहा है ये पेन। कुल मिला के ठीक चल रहा है ये पेन। गोल्डेक्स क्लासी और ये पेन भी बहुत ज्यादा बिकता है मार्केट में। और तो इसे ट्राई करते हैं एक बार। गाइस, बहुत अच्छा चल रहा है ये पेन और इसका डिजाइन भी बढ़िया है। और भी कलर आते हैं इसके, चार पांच और कलर आते हैं इसके, तो अच्छा पेन है। गोल्डेक्स का क्लियर नाम है इस पेन का। और इसे लिखते हैं, ठीक है गाइस, डिसेंट कुल मिला के ठीक है गाइस ये पेन। लेकिन मुझे ये पेन ये इससे अच्छा लगा। पेंटोनिक का लिंक्स नाम है इस पेन का। गाइस, बढ़िया चल रहा है। गाइस, डिज़ाइन भी इसका एकदम अच्छा है और चलने में भी ये काफ़ी अच्छा पेन है, तो बढ़िया ये पेन है। वैसे अगला पेन है साइना सोफ्टा का, जो कि बहुत दिनों से चल रहा है। और गाइस, मैं श्योर हूँ 99% कि जो भी ये वीडियो देख रहा है कभी तो ये पेन यूज़ करा ही होगा। और बढ़िया चल रहा है ये भाई, साइना सोफ्टा नाम बना रखा है अपना और मस्त है भाई ये पेन एकदम। गाइस, अगला पेन है ये सेलो का फाइन ग्रिप, ये भी ठीक ठाक ही चल रहा है। कुल मिला के ठीक है ये पेन भी। गाइस, ये नया पेन है, इसका डिज़ाइन देखो एक बार। गाइस, इसका एक तो कलर मुझे अच्छा लगा और फास्ट बॉय का ही, लेक्सी कंपनी का। तो कुल मिला के डिज़ाइन बहुत अच्छा है इस पेन का और ठीक है, ये लिखता भी ठीक ठाक ही है और ठीक है कुल मिला के ये पेन भी। गाइस, नेक्स्ट पेन है ये बटरफ्लाई का। गाइस, आपने इसके ऐड तो न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत देखे होंगे और चलता भी ये काफ़ी अच्छा है, मैंने काफ़ी यूज भी करा है ये। लेकिन तब भी एक बार लिख के देख लेता हूँ। गाइस, सही में ये बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब जिसे कहते हैं मक्खन एकदम, वो चल रहा है और काफ़ी बढ़िया है। तो मैंने अब तक जितने पेन दिखाए सबसे अच्छा पेन मुझे लगा ये बटरफ्लाई का पेन। तो चलिए दूसरा पेन देखते हैं। गाइस, ये है फ्लेयर का। गाइस, ये फ्लेयर का पेन है ये और इस पे लिख रहा है साफ पैकेट के ऊपर कि एक फ्लेयर रिटोमीटर पेन इज इक्वल टू 10 फ्लेयर रेगुलर पेन। जो पेन फ्लेयर के रेगुलर आते हैं ना, उससे 10 गुना चलता है ये। तो राइटिंग देखते हैं, ठीक है कुल मिला के ये पेन। गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना कि जिस जिसने ये पेन खरीदा है और वो कंप्लीट फिनिश हुआ हो, मुझे नहीं लगता। गाइस, ये लास्ट पेन है हमारे पास, रिंडोल्स का ट्राइमैक्स और रिफिलेबल फ्लूड इंक सिस्टम आता है इसके अंदर, ठीक है, यानी इंक वाला सिस्टम है इसके अंदर। जो थोड़े अलग पेन आते हैं ना, वो वाला है ये, ठीक है। और दिखने में काफ़ी प्रीमियम है ये पेन और बढ़िया है कुल मिला के। मैं कहना चाहूँगा कि राइटिंग सबसे अच्छी होती है इसके अंदर, मैंने जितने पेन दिखाए हैं सबसे अच्छी राइटिंग होती है। और इसका प्राइस भी थोड़ा हाई है। इसके बाद मैं इसे ही बताना चाहूँगा, अगर इसको अलग कर दें तो मुझे सबसे अच्छा यही पेन लगा। बट मुझे कमेंट में बताना कि आप कौन सा पेन यूज़ करते हो, यहाँ पर कौन सा सबसे अच्छा लगा आपको। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और मिलते हैं कभी नई वीडियो में।